पुरुष का पहला जन्म, सबसे पहले वह ये पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। ये जो प्रसिद्ध रेतस मतलब वीर्य है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज सार है। पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है, फिर जिस समय वह इसे स्त्री में सींचता है तब इसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है, ये इसका पहला जन्म है। अविद्या काम और कर्मजनित अभिमान वाला ये जीव ही यज्ञ आदि कर्म करके इस लोक से धूम आदि कर्म से चंद्रलोक को प्राप्त हो, कर्मों के क्षीण होने पर वृष्टि आदि क्रम से इस लोक को प्राप्त होने पर अन्न रूप से पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है। इस उस पुरुष में ये संसारी जीव रसादि क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप से गर्भ ले होता है। इसी बात को ये जो पुरुष में रेतस है तद्रूप से मतलब गर्भ होता है इस वाक्य से कहा गया है। वह ये शुक्र अन्नमय पिंड के रसादि रूप संपूर्ण अंग यानी अवयव से तेज शरीर का सारभूत निष्पन्न हुआ है। वह पुरुष का आत्मभूत होने के कारण आत्मा है, शुक्र रूप से गर्भीभूत हुए उस आत्मा को पुरुष अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है। जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस शुक्र को स्त्री रूप अग्नि मतलब अर्थात स्त्री की योनि में उससे संयोग करके सींचता है, उस समय वह इस शुक्र को अपने गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। इस प्रकार रेत सींचन काल में रेतो रूप से अपने स्थान से निकलना ही इस संसारी पुरुष का प्रथम जन्म यथार्थ प्रथमावस्था की अभिव्यक्ति है। यही बात असावात्मा अम्युमात्म इत्यादि वाक्य से पहले कही गई है। जिस प्रकार स्तनादि अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य स्त्री के आत्मभाव मतलब तादम्य को प्राप्त हो जाता है, अतः वह उसे पीड़ा नहीं पहुंचाता। अपने उदर में गए हुए उस पति के इस आत्मा का वह पोषण करती है। वह वीर्य जिस स्त्री में सींचा जाता है उस स्त्री के आत्मभाव यथार्थ पिता के शरीर के समान उसके शरीर से अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने अंग स्तनादि देह से पृथक नहीं होते हैं उसी प्रकार ये भी हो जाता है, इसलिए ये गर्भ पीटक मतलब आंतरिक वर्ण रूप ग्रंथि आदि के समान उस माता को कष्ट नहीं देता, क्योंकि वह स्तनादि अंग अपने अंग के समान शरीर से अभेद को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह किसी प्रकार का कष्ट यानी बाधा नहीं पहुंचाता। यह इसका तात्पर्य है। वह गर्भिणी इस अपने पति की आत्मा को यहाँ अपने उदर में प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भ के विरोधी भोजनादि को त्याग कर अनुकूल भोजनादि का उपयोग करती हुई उसका पालन करती है।